बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तामीराती ढांचे पर होता है और पूरी दुनिया में सड़कों को इसका बुनियादी ढांचा तसव्वुर किया जाता है, जो किसानों को मंडियों से जोड़ता है, जो ताजरों को बाजारों से जोड़ता है और जो शहरों को कस्बों से जोड़ता है, और तरक्की का पहिया चलता रहता है क्योंकि कारखानों का माल देहातों तक पहुँच जाता है। अगर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो तो न सिर्फ सनअतों को मुश्किलात का सामना होता है बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी रुक जाता है। सीपेक के तहत काशगर तक गवादर तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबा ट्रैक मुख्तलिफ मोटरवेज और हाईवेज को मिलाकर बन रहा है। मुतद्दिद मंसूबे मुकम्मल हैं और मुतद्दिद मुकम्मल हो रहे हैं। मुकम्मल होने वाले मंसूबे हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानियों की कारोबारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के साथ साथ पाकिस्तान में सियाहत को अरूज दे रहे हैं। जैसा की हजारा मोटरवे, ये सिर्फ एक मोटरवे नहीं बल्कि इससे कुछ ज्यादा है, जिसने हजारा डिवीजन में एक इनकलाब सा बर्पा कर दिया है। तीन हिस्सों पर मुश्तमिल 180 किलोमीटर लंबा हजारा मोटरवे, जिसे E35 भी कहते हैं, हुस्नो दिलकशी का एक शाहकार है। हजारा मोटरवे पाकिस्तानी अवाम का दरीना मुतालबा था, जो सीपैक के तहत पूरा हुआ। हजारा मोटरवे का मंसूबा पहले फेज में हसन अब्दाल से शाह मकसूद हरिपुर तक अवाम के लिए खोला गया और फिर सन 2018 में थाकोट से हसन अब्दाल तक 180 किलोमीटर हजारा एक्सप्रेसवे मुकम्मल हुआ। इसके बाद थाकोट से मानसेरा तक रोड मुकम्मल हुआ। यूँ ये अब एक मुकम्मल मोटरवे है जो अवाम की जिंदगी में एक बहार लेकर आया है। इसके अलावा अहम तरीन बात यह है कि सीपैक के तहत सिर्फ मोटरवे बनाना नहीं बल्कि हजारा में हवेलियां के मुकाम पर ड्राईपोर्ट और इंडस्ट्रियल जोन भी बन रहा है। यानी एक मोटरवे भी है, एक बिजनेस हब भी और एक खूबसूरत सियाहती मुकाम भी, जो हजारा से बेरोजगारी का खात्मा कर रहा है और इसके बासियों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत से मौके फराहम कर रहा है। एक और अहम तरीन बात यह भी है कि इस सड़क के बनने से इस्लामाबाद रावलपिंडी से वादी कागान का सफर सिर्फ 4 से 5 घंटे रह गया है। इसी तरह हजारा मोटरवे मंसूबा से एबटाबाद शहर की ट्रैफिक का मसला हल हुआ, क्योंकि हजारा मोटरवे मंसूबे से एबटाबाद इस्लामाबाद का फासला सिर्फ 1.5 घंटे का हो गया, जो पहले 6 घंटे का था। इसे एक मोटरवे से मानसेहरा तक रोड के इफ्तिताह से अवाम को ट्रैफिक जैम से निजात हासिल हुआ, जबकि इलाके के अंदर सियाहत में भी इजाफा हो चुका है। इस मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसेहरा का सफर कम होकर 2 से 2.5 घंटे तक रह गया है। यूं इस्लामाबाद से वादी कागान जाने का रास्ता भी कम होकर 4 से 5 घंटे तक हो गया है। इस एक्सप्रेसवे की तामीर से हसन अब्दाल और हजारा डिवीजन की आबादी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जबकि सफर के औकात में कमी हो गई है। अगर इसे कराक्रम के बाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन हाईवे कहा जाए तो ये हरगिज गलत नहीं है। जैसे जैसे आप रोड पर आगे बढ़ते जाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दुनिया के खूबसूरत हाईवेज में से एक, जहां बुलंदों वाला पहाड़, घने दरख्त और ठंडे ठार दरिया आपके साथ लिपटे रहते हैं। इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सब्जा, खूबसूरत तरीन वादियाँ, हसीन तरीन झीलें, दिलनशीन आबशारें और दिलफरेब रास्ते हैं जो मुख्तलिफ वादियों में लड़ जाते हैं। इस हाईवे के खूबसूरत और दिलफरेब मनाजर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सियाहों के लिए मिसाली हैं। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करने के लिए पिछले साल पहाड़ों के दामन में बल खाती इस हजारा मोटरवे पर शजरकारी मुहिम की शुरुआत हुई। हजारा मोटरवे के दोनों अतराफ 36 किलोमीटर एरिया पर 2 लाख पौधे लगाने की कोशिश की जाती है। शजरकारी से न सिर्फ हजारा मोटरवे के कुदरती हुस्न में इजाफा हुआ बल्कि मुल्क में खुशहाली भी आएगी। पाकिस्तान और चीन के माहिरीन की मुश्तरका काविशों से तैयार होने वाली इस सड़क में 2 जदीद तरीन टनल, 9 फ्लाईओवर और 47 पुल तामीर किए गए हैं। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन एक्सप्रेसवे है, जिसके इर्द गिर्द की खूबसूरती देखकर लोग बार बार यहाँ सफर करने की ख्वाहिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है जैसी कराक्रम हाईवे के साथ हुई थी। शाहराह कराक्रम अपनी तामीर से भी सालों पहले ही सिल्क रूट या बैनुल अक़वामी रूट था, जो इस खित्ते में चीन के साथ सियासी, सामाजिक, कारोबारी और दीगर राब्तों का बड़ा जरिया हुआ करता था। 60 और 70 की दहाई में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर शाहराह कराक्रम बनाई, जिसे चीन ने अपनी कारोबारी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया और अब चीन नए हजारा एक्सप्रेसवे को अपने कारोबारी मकासद और राब्तों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में हजारों नौकरियां मिल रही हैं और अरबों की सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान के साथ मुल्हिक चीन के जनूब में वाकया मुसलमान अक्सरियती सूबों में चीन नए सनअती शहर तामीर कर रहा है। इसी तरह इन इलाकों से अगर मसनूआत को दुनिया भर की मंडियों तक पहुँचाने के लिए चीन की बंदरगाह तक पहुँचाई जाए तो कोई 4000 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता बनता है, जबकि पाकिस्तान के रास्ते गवादर पोर्ट तक सिर्फ 2300 किलोमीटर रास्ता बनता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रूट चीन के लिए कितना फायदेमंद है। हजारा एक्सप्रेसवे का मंसूबा सीपैक मंसूबों में एक अहम तरीन मंसूबा है। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत की मरकजी शाहरा होगी, जिस पर बैनुल अक़वामी ट्रैफिक सफर करना शुरू हो चुकी है। आगाज ही से तवक्को की जा रही है कि इस पर रोजाना तकरीबन 30,000 गाड़ियाँ सफर कर रही है और हमारे प्यारे पाकिस्तान को इस मनसूबे की बदौलत मुख्तलिफ मद में 38 अरब रूपए की सालाना बचत हो सकेगी। इसके अलावा इस मनसूबे का बराह रास्त फायदा हजारा डिवीजन और पंजाब में मौजूद हसन अब्दाल की 70 लाख आबादी को
को नए रोजगार और मुआशी सरगर्मियां ज्यादा होने की सूरत में हो रहा है। सड़क का मकसद सियाहत से बढ़कर कारोबार होता है और कारोबार से ही मुल्क तरक्की करते हैं और कौमें अरूज पाती हैं। इस सड़क से भरपूर फायदा उठाने के लिए हवेलियां के करीब एक सनती एरिया तामीर किया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट, सियाहत और अशिया की खरीदो फरोख्त के भी नए मौके पैदा होंगे। यहाँ एक ड्राईपोर्ट भी जेर तामीर है। कारोबारी सरगर्मियों के अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कारखानों के लिए खाम माल के अलावा रिकंडीशन गाड़ियाँ और दीगर सामान भी रेलवे के जरिए ड्राईपोर्ट से आएगा, जिससे हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट को फरोग मिलेगा और करोड़ों रुपए का जर मुबादला हासिल होगा। हजारा मोटरवे वाकई पाकिस्तानी हजरात समेत बहुत सों की जिंदगी में एक इनकलाब की तरह है। अगर माजी में जाएं तो इस मोटरवे पर पहले इन इलाकों में सड़क सिर्फ दो लेन की थी। एक से दूसरी जगह जाने में कई घंटे लग जाते थे। इस्लामाबाद से नारान तक तो तकरीबन एक दिन लग जाता था। कारोबार की तो बात ही ना करें, क्योंकि दो लेन सड़क पर मुकामी लोग बहुत मुश्किल से सफर करते थे। कारोबारी सामान की तरसील कहां से होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, सीपैक के तहत बनने वाली ये सड़क एक इनकलाब ले आई। हजारा डिवीजन पाकिस्तान का अहम तरीन खिता है। हजारा डिवीजन के तीन अजला कदीम है, जिनमें मानसेहरा सबसे कदीम तरीन जिला है। हजारा डिवीजन का हर जिला कुदरती हसीन मनाजर से भरा हुआ है, जो की पूरी दुनिया में हसीन मनाजर की लिस्ट में मुनफरिद शोहरत के हामिल है। हजारा डिवीजन के चार मौसम, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम खजां, मौसम बहार, ताज़ा आबो हवा समेत हजारा डिवीजन में कुदरती मनाजिर, घने जंगलात, कुदरती चश्मे, लहलहाती फसलें, शफाफ नहरें, कुदरती खूबसूरती को देखकर इंसान एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। हजारा डिवीजन के हरिपुर, एबटाबाद, कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, मानसेहरा, बटग्राम, तोरगर में बसने वाले लोग मेहमान नवाज कहलाए हैं। लेकिन ये सब इलाके माजी में टूटी सड़कों के बायस बहुत से लोगों के लिए आश्कार ना थे। हजारा डिवीजन की तरक्की और खुशहाली सियाहत के बगैर मुमकिन नहीं है। हम कह सकते हैं कुदरती तौर पर सूबा केपी के हजारा डिवीजन में मौजूद इस इंडस्ट्री का नाम खूबसूरती है। कुदरत ने खित्ता हजारा को खूबसूरती से नवाज रखा है। हजारा डिवीजन में ऐसे सियाहती खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। कादावर खूबसूरत दरख्त, आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडे मीठे पानी के चश्मे, खूबसूरत आबशारे और खूबसूरत नदियाँ, क्या कुछ नहीं है यहाँ। सियाहत लिए ये इस खित्ते के तमाम इलाकों को एक हाईवे से मिलाना जरूरी था, इसीलिए सीपैक आया, हजारा मोटरवे मंसूबा बना और इस इलाके की किस्मत संवर गई। इन अजला में इस रोड से पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी एक वाज़े मंजर पेश करती है कि कैसे सीपैक पाकिस्तान को बदल रहा है। नाज़रीन, आप E35 हजारा मोटरवे, इसकी खूबसूरती, इससे हासिल होने वाले कारोबारी फायदों और इससे जुड़ी आबादी की जिंदगी में आने वाले इनकलाब के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बरवक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।